केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और आला मंत्री आरएसएस के सामने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देंगे। 3 दिन तक दिल्ली में होने वाली आरएसएस समन्वय समिति की बैठक में संघ के 25 आला पदाधिकारी, 15 सहयोगी संगठन और देश भर के 93 कार्यकर्ता शामिल होंगे, लेकिन बीजेपी के दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी बैठक में दिखाई नहीं देंगे। केंद्र में भगवा परचम लहराने के करीब 1.25 साल बाद एक छत के नीचे आरएसएस और बीजेपी के नेता भविष्य पर चर्चा करने के लिए जुट रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। बैठक में सर संघचालक मोहन भागवत के साथ संघ के 25 आला अधिकारी भी शिरकत करेंगे। संघ के सहयोगी संगठन जैसे स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ भी इस बैठक में होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक उस वक्त और अहम हो जाती है जब भूमि अधिग्रहण और आरक्षण की मांग पर मोदी सरकार बैकफुट पर है और संघ वन रैंक वन पेंशन पर सरकार को नसीहत दे चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के जरिए संघ सरकार को ये बताएगा कि सरकारी नीतियों का जनमानस पर क्या असर है। संघ इसमें शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, व्यापार, मजदूर, किसान और आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर अपने संगठनों से मिली प्रतिक्रिया को प्रधानमंत्री और मंत्रियों के सामने रखेगा और भावी एजेंडे का खाका तैयार करेगा। 3 दिनों में 6 सत्र में चर्चा होगी, जिसमें कश्मीर, आंतरिक सुरक्षा, शिक्षा, वित्त, कृषि, आदिवासी कल्याण और श्रम अहम है। इसके साथ ही मंत्रियों को जवाबदेह बनाने पर भी चर्चा होगी। बहुत सारे समाज जीवन में घटनाएं घट रही है तो अधिक और व्यापक इनपुट सबका मिले, इसलिए करीब 93 ऐसे कार्यकर्ता सारे देश में से संघ और विविध संगठनों के इस बैठक में रहेंगे। करीब 15 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी इसमें रहेंगे और संघ के भी करीब 25 कार्यकर्ता इसमें रहेंगे। सरकार के मंत्री अपने मंत्रालय का लेखा जोखा देंगे। बैठक में स्मृति ईरानी, मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी, सरकार और संघ के बीच तालमेल को लेकर हर मुद्दे पर बात करेंगे। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर भी अलग से चर्चा हो सकती है। ये कुछ सरकार की समीक्षा करने के लिए यह मीटिंग नहीं है, न कोई निर्णय करने के लिए मीटिंग है, लेकिन हर प्रकार के इनपुट मिलेंगे, चर्चाएं होगी और ये चर्चा सारी सरकार को केंद्र में रखकर होगी, यह भी नहीं है, अपने अपने संगठनों के लिए भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, इस तरह से बैठक रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि सरकार बनने से पहले बीजेपी के 2 दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी संघ और पार्टी के बीच तालमेल की कड़ी का काम करते थे और हर बैठक में खासी भूमिका रखते थे, लेकिन मार्गदर्शक मंडल में जगह पाने के बाद पहली बार दोनों नेता इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। रीमा पारशर के साथ आज तक ब्यूरो।